आखिर क्या होता है टांका और क्यों धीरे धीरे टांका का स्थान इंदिरा गांधी नहर ने ले लिया है। भारत के कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों खासकर राजस्थान के बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में ही पीने के पानी को जमा करने के लिए भूमिगत टैंक या टांका बना होता है, जो आकार में एक बड़े कमरे जितना होता था। फलौदी के एक घर में तो यह टांका 6.1 मीटर गहरा, 9.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा था। टांका घर के आंगन में बनाया जाता था, जिससे वर्षा के जल को ढलवा छतों से पाइप के माध्यम से भूमिगत टांका तक पहुंचाया जाता था। जो भी बारिश का पहला पानी होता है, उसका प्रयोग छतों और नलों को साफ करने में इस्तेमाल किया जाता था। टांका इतना बड़ा ही हुआ करता था कि उसमें वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। राजस्थान जैसे क्षेत्र जहाँ वर्षा एवं पानी की इतनी किल्लत है, वहाँ यही टांका जल की कमी को दूर करने का एक महत्वपूर्ण जल का स्रोत बन जाता है। इन क्षेत्रों में इसे वर्षा जल और पालर पानी जैसे नामों से पुकारा जाता है। कुछ कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि इससे कमरे ठंडे भी रहते थे और राजस्थान जैसे भीषण गर्मी ऋतु में गर्मी से राहत भी मिल जाती है। पर अफसोस तो यह है कि आज पश्चिम राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की यह रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध बारामासी जल के कारण कम हो गई है। फिर भी कुछ घरों में अभी भी टांकों की सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि लोगों को इसी का पानी पसंद है। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि टांका क्या होता है।